हेलो एवरीवन, मु जगन्नाथ महाराणा स्वागत करुच्ची आपण को आम यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा कॉम्पिटिटिव पॉइंट को। तो चलतु देखा आम आज टॉपिक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जोड़ा को हमें ओडिया में कहूचे भारतीय संविधान भाग। तो बहुत गुड़ा स्टूडेंट मानकर डाउट भी रोथ्व पार्ट मीन्स कौन, आर्टिकल कौन, शेड्यूल कौन, एमेंडमेंट कौन। तो मन रखी था मुझे सब जो ओडिया अर्थ जहाँ कहीदे पार्ट मीन्स भाग, आर्टिकल मीन्स धारा, शेड्यूल मीन्स अनुसूची, एमेंडमेंट मीन्स संशोधन। तो चलो तो आज देखा आम पार्ट देखा। तो नेक्स्ट टॉपिक रे आम बहुत रे देखिया शेड्यूल देखा, एमेंडमेंट देखिया, सब डिस्कशन करिया। तो आजिकार टॉपिक आम कौन पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो पार्ट वन कौन से डील मन रखी था, पार्ट वन कौन डील ना दि यूनियन एंड इट्स टेरी। ओके मीन्स कौन दि यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी मीन्स राष्ट्र एवं तहार परिसर विषय आम डिस्कशन करिया पार्ट वन। तो मीन्स कौन एटा ना नूतन राष्ट्र तैयारी करिवा, राष्ट्र मानकर परिसीमा निर्धारित करिवा, परिसीमा मानकर किंबा सीमा मानकर नाम पुनरावृत्ति चेंज पुनरावृत्ति करि पाइबा, ए सब विषय को डील करूची पार्ट वन। तो पार्ट वन केउ आर्टिकल रु केउ आर्टिकल कवर करूची, ओके 1, 2, 4 देन तुम कौन डील करुच्ची सिटीजन। ओके सिटीजनशिप जोटा कि आम ओडिया कह नागरिकत्व, ओके मन रखी तो नागरिकत्व। ओके देन से नागरिकत्व विषय डील कर पार्ट टू द्वितीय भाग। ओके क्यों धारू के सिंपली 5 रु 11 क्लियर 5 रु 11 देन देखिबा तृतीय भाग थर्ड पार्ट। ओके जोड़ा कि आम कह फंडामेंटल राइट। ओके फंडामेंटल राइट जोड़ा कि ओडिया आम कहे मौलिक अधिकार, कौन कहे मौलिक अधिकार जहाँ आर्टिकल 12 रु 35 कवर कर। क्लियर देन देखिबा आर्टिकल 4 जोड़ा को आम सर्टकटली कहे डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके जोड़ा कि आम सर्टकटली कौन कहे डीपीएसपी, डीपीएसपी को ओडिया आम कौन कहे राष्ट्र निर्देश मूलक नीति, मन रखी तो राष्ट्र निर्देश मूलक नीति सेटा डीपीएसपी को आर्टिकल रो को क्यों आर्टिकल रो क्यों आर्टिकल कवर कर आर्टिकल 36 टू 51। तो मन रखी तो आम फ्यूचर रे सिटीजनशिप विषय रे फंडामेंटल राइट विषय रे डीपीएसपी विषय रे आम सेपरेट वीडियो रे आम पढ़ा। क्लियर देन तापर देखिबा पार्ट 4A मीन्स कौन भाग चतुर्थ क। ओके कौन डील कर फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज को ओडिया आम कौन कहे मौलिक कर्तव्य जोड़ा कि 51 क कह मीन कौन 51A। देन नेक्स्ट देखिबा पार्ट 5। तो पार्ट 5 रे विभिन्न प्रकार चैप्टर वाइज अच्छे, तो मन रखी था से पार्ट 5 डा क्या डील कर ना दि यूनियन गवर्नमेंट। ओके केंद्र सरकार, ओके केंद्र सरकार जोड़ा कि को आर्टिकल रु क्यों आर्टिकल रु क्यों आर्टिकल आर्टिकल 52 टू 151 माइंड इट आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 151 जोड़ा कि आमर कौन अच्छी ना पांचटा चैप्टर कि पांचटा अध्याय अच्छे जोड़ा कि चैप्टर 1 डील करुची दि एग्जीक्यूटिव,
जोटा कि आम कह कार्यपालिका। कार्यपालिका आमर क्या क्या नहीं गठित मुझे आमर प्रीवियस वीडियो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रे। कार्यपालिका आमर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एवं आमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिमंडल अन्यान भी अच्छा एम को लेकर आम एग्जीक्यूटिव क्रिएशन हो गठित होके फॉर्मेशन हो देन एग्जीक्यूटिव डा डील को 52 to 78 ओके। देन नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर टू कौन डील को ना पार्लियामेंट जोड़ा कि आम ओडिया कहे संसद मगुर कही संसद तीन जन को लेकिन गठित राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा तो ये जो संसद संसदटा क्यों भाग एवं क्यों अध्याय फॉर्मेशन है मीन्स कौन पार्ट फाइव चैप्टर टू माइंड चार्ट पार्ट फाइव चैप्टर टू पंचम अध्याय ए सॉरी पंचम भाग द्वितीय अध्याय तो आर आर्टिकल कोड के 79 to 122 देन चैप्टर चैप्टर थ्री कौन डील करछि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका क्षमता विषय डील करूछि ओके। देन आर्टिकल 123 चैप्टर फोर दी यूनियन जुडिशियरी ओके जोटा कि आम केंद्रीय न्यायपालिका जोटा कि आम जीव सर्वोच्च न्यायालय ओके 124 to 147 ओके। देन चैप्टर फाइव ओके जोटा कि कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल इंडिया ओके डील करुची आमर के आर्टिकल ना 148 to 151। देन देखिबा पार्ट सिक्स जेमती आम देखिले टिके पूर्वर पार्ट फाइव यूनियन गवर्नमेंट को डील करुचे से परी पार्ट सिक्स स्टेट गवर्नमेंट को डील करुचे दि स्टेट गवर्नमेंट ओके स्टेट गवर्नमेंट्स आर्टिकल 152 to 237 मन रखित तो, आर्टिकल 152 to 237 ओके। देन तापर आपको भी आम छा चैप्टर डिवाइड कराई चैप्टर वन मीन्स कौन ना जनरल जनरल मीन्स कौन साधारण सामान्य जी आम आसो से सब जाक डील कर चैप्टर देन आर्टिकल 152 देन चैप्टर टू डील्स विथ दि एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव मीन्स कौन से केन्द्र कार्यपालिका थिला एटा राज्य कार्यपालिका तो मुझे आगु कही राज्य कार्यपालिका क्या कह गठित गवर्नर राज्यपाल चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री एवं तांकर मंत्रिमंडल को नहीं ओके। देन कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका जोड़ा कि आर्टिकल 153 to 167 क्लियर। देन चैप्टर थ्री डील्स विथ दि स्टेट लेजिस्लेचर ओके स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स कौन राज्य व्यवस्थापिका ओके सेटे कौन थिला संसद थिला केंद्र व्यवस्थापिका जो आम कह यहाँ कौन राज्य व्यवस्थापिका जोड़ा कि मुझे आगुरी राज्य केन्द्र जो संसद राष्ट्रपति आमर राज्यसभा आ लोकसभा को लेकिन गठित ये भी
ସେହିପରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍, ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଧାନସଭା ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତ ଦାଦା ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ବିଷୟରେ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ୍ କଭର୍ କରୁଛି, 168-212। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବା ଚାପ୍ଟର ଫୋର୍ କଭର୍ସ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ, ସରି ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଓକେ, ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଓକେ, ତ ସିମ୍ପଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା କ୍ଷମତାକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି ଚାପ୍ଟର 5 Part 16 6। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ କଭର୍ 213। ଦେନ୍ ଚାପ୍ଟର 5 ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଓକେ, ଆର୍ଟିକଲ୍ 214-232, ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍, ହାଇକୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଦେନ୍ ଚାପ୍ଟର 6 କଭର୍ସ ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ କୋର୍ଟସ୍, ଅଧୀନସ୍ଥ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହିବା ନିମ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ କଭର୍ କରୁଛି 233-237। ତ ଏଇଟା ଆମେ କହିଥିଲେ ଦେଖ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 153-237। ତ ଦେଖ ଏଇଟା 152, ଏଇଟା ଏଣ୍ଡିଂ ହେଲା 237। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବା ପାର୍ଟ 7 ଡିଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଇନ୍ ଦି ବି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍। ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚୀ, ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀର ଯେତିକି ଆମେ କହିବା, ପ୍ରଥମ ଅନୁସୂଚୀ ସୂଚୀ ଭାଗ ଖର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା 7th ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି 1956ରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା, ସେଇଟାରେ ଯେଉଁଟା ଓମିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଯାହାକୁ ଆହିରେ ଆଡ୍ କରିଛି କେଉଁଟା, ପାର୍ଟ 7। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି କରୁଛି 238। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ 8 ଦି ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ। ଓକେ, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁଛେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ପରିସର। ଓକେ, ୟୁନିଅନ୍ ଟେରିଟୋରୀର ଓକେ ଆର୍ଟିକଲ୍ 239-242 ମନେ ରଖିଛ, 239-242। ଦେନ୍ ପାର୍ଟ 9 ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଦି ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ କିମ୍ବା ତାପରେ ଯେଉଁ ଆସିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୁଁ କରିବି। ଓକେ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଡିଲ୍ କରୁଛି 243-243O। ଓକେ, ବୁଝିଗଲ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବା ପାର୍ଟ 6A ମିନ୍ସ କ'ଣ, ନବମ କ ଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଦି ଓକେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ନଗରପାଳିକା, ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ 243P-243ZG। ଓକେ, ଏଥିରେ ରହିଲା ଆମର କ'ଣ, ପାର୍ଟ 9। ଓକେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିବା ପାର୍ଟ 10
पार्ट 10 डील्स विथ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज मीन्स कौन जोड़ा कि आम कह अनुसूचित जनजाति मानकर परिसर विषय डील करुच्ची आमर पार्ट 10 जोड़ा कि आर्टिकल कवर करुच्ची 244 क जोड़ा कि एम कह क्लीयर बुझिपाल देन तापर देखा पार्ट 11 देन कौन देखिए हमें पार्ट 11 ओके पार्ट 11 रे आम कम पढ़वा ना रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट केन्द्र और राज्य मध्य संपर्क विषय पढ़िया जोटा कि आर्टिकल कवर हो 255 टू 263 देन आसवा से रिलेशनशिप रे यूनियन आउ स्टेट मध्य विभिन्न प्रकार रिलेशनशिप रोचे ता भितर आम देखा लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप ओके जोटा कि आम व्यवस्थापिका संपर्क 245 टू 255 ओके सेम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जोड़ा कि आम कह प्रशासनिक संपर्क किंबा कार्यपालिका संपर्क 256 टू 263 क्लीयर बुझिपाल एटी रहा आमर कौन पार्ट 11 देन देखिबा पार्ट 12 ओके पार्ट 12 डील्स विथ फिनांस फिनांस मीन्स कौन वित्त जोटा कि आम कह धन प्रॉपर्टी संपत्ति कंट्राक्ट्स चुक्ति एंड स्वीट्स जोटा कि आम कह मकदमा ये सब विषय डील करुच्ची पार्ट 12 ओके आर्टिकल 264 टू 300 ए ओके जोड़ा कि आम 300 300 कल आम जोड़ा कह देन एस्पेशली फिनांस विषय डील करुच्ची आर्टिकल 264 टू 291 ओके देन बोरोइंग बोरोइंग मीन्स कौन धारा धार किंबा उधार करवा ओके देन 292 टू 293 देन आसिबो प्रॉपर्टी कंट्राक्ट्स राइट्स लायबिलिटी ओब्लिगेशन एंड स्वीट्स मीन्स संपत्ति संपर्कीय अधिकार दाय और आईनगत बाध्यता किंबा मकदमा एवं मकदमा विषय डील करिबो आर्टिकल ए सॉरी पार्ट 12 ओके देन आर्टिकल कवर 294 टू 300 ओके देन आसिबा राइट टू प्रॉपर्टी ये गोटे प्रकार प्रथमे मौलिक अधिकार थिला जोटा कि आम फंडामेंटल राइट थिला तापरे एटाकु कोन करला अलग करला अलग करके कौन कराला सेपरेटली गोटे आर्टिकल रे कवर कराला जोटा कि संपत्तिगत अधिकार नारे नामित होगा ओके से आर्टिकल कवर कर 300 ए मीन्स कौन 300 क देन आसवा भाग 13 भाग 13 कौन कर ट्रेड कमर्स एंड इंटर्स कोर्स विथिन दि टेरी टोरी ऑफ इंडिया मीन्स कौन भारतर राज्य क्षेत्र रे वाणिज्य ओ व्यवसाय करिबा एई सब विषय डील करुच्ची पार्ट 13 आर्टिकल 301 टू 307 देन पार्ट 14 डिवाइडेड इनटू टू चैप्टर ओके देन सर्विसेस अंडर दी
यूनियन एंड द स्टेट केन्द्र और राज्य मध्य विभिन्न प्रकार सेवा प्रदान को कवर करुच्ची आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 डील्स कवर द आर्टिकल 308 to 323। ओके देन ताहा भीतर ही आमर कौन विभिन्न प्रकार चैप्टर वाइज कराई चैप्टर 1 कौन डील कर सर्विसेस विषय डील कर ओके जोड़ा कि सेवा विषय आर्टिकल 308 to 314 क्लियर देन चैप्टर 2 डील्स विथ द वेरियस पब्लिक सर्विस कमीशन ओके जोड़ा कि हमें कहो लोकसेवा आयोग ओडिया रे हमें कहो आर्टिकल 315 to 323 ओके पार्ट 15 ओके पार्ट 15 डील्स विथ इलेक्शन जोड़ा कि हमें कहो निर्वाचन जोड़ा को डील करूँ निर्वाचन आयोग ओके इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 to 329A मन रख निर्वाचन विषय 324 to 329A मीन्स कौन क देन आस बीआई मीन्स कौन 16 पार्ट 16 16तम ओके स्पेशल स्पेशल प्रोविजन्स रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस मीन्स कौन केते गोटी वर्गर निर्दिष्ट व्यवस्था ओके वर्ग ओके देन आर्टिकल कवर करुची 332 342 देन तापर आसीबा पार्ट ओके पार्ट 17 डिवाइड इनटू 4 चैप्टर ओके तो पार्ट 16 कौन कवर करछी ना वेरियस ऑफिशियल लैंग्वेज ओके लैंग्वेजेस जोटा कि हमें कह कार्यकारी भाषा भी हमें कही पारे ओडिया 343 to 351 आर्टिकल कवर करके आगे कही वेरियस टाइप ऑफ चैप्टर भी अच्छी चैप्टर मीन्स कौन ओडिया कौन अध्याय चैप्टर 1 कौन ना लैंग्वेज ऑफ द यूनियन मीन्स कौन राष्ट्रीय भाषा ओके देशर भाषा कि राष्ट्रीय भाषा विषय डील करुच्ची चैप्टर 1 पार्ट 17 ओके आर्टिकल 343 to 344 ओके माइंड इट 343 to 344 देन चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेज जोड़ा कि हमें कहिबा आंचलिक भाषा ओके 345 to 347 देन चैप्टर 3 डील्स विथ लैंग्वेजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जोटा कि हमें कह एससी सुप्रीम कोर्ट ओके सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट ओके एंड सो ऑन मीन्स कौन अन्य जो कोर्ट मानक अच्छी ओके भाषा निर्धारण करवा आर्टिकल डील्स करुच्ची 348 to 349 क्लियर चैप्टर 4 डील्स विथ द स्पेशल डायरेक्टिव्स ओके विशेष निर्देश विषय डील करुच्चे जोटा कि आर्टिकल कहे 352 351 क्लियर आर्टिकल 15 ए सॉरी 18 देन आर्टिकल 18 जोटा कि आम कह एमरजेंसी ओके एमरजेंसी प्रोविजन्स ओके आपत्तिकालीन परिस्थिति जोटा कि आम
प्रेसिडेंट चैप्टर आम पढ़ा इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ओके से इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट रे आम विभिन्न प्रकार इमरजेंसी देखुचे ओके नेशनल इमरजेंसी स्टेट इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो ये जो आम जो लिखा है इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352 to 360 तो मुझे कही इमरजेंसी प्रोविजन रे तीन टा अच्छी नेशनल इमरजेंसी जोटा कि आर्टिकल कवर कर 352 वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये तीन टा स्टेट इमरजेंसी 356 फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 ओके देन तबर आसीबा आर्टिकल 19 मिसेलेनियस जोटा कि आम कह अन्यान्य ओके 361 to 367 देन आर्टिकल 20 एमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके जोड़ा कि मुझे संविधान संशोधन विषय ओके देन आर्टिकल 368 देन पार्ट 21 टेम्पोरारी ट्रांजेक्शनल एंड स्पेशल प्रोविजन्स अस्थायी संक्रमण विशेष व्यवस्था ओके आर्टिकल 369 to 392 देन आर्टिकल 22 शॉर्ट टाइटल जोटा कि संक्षिप्त नाम कमेंसमेंट प्रारंभ अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील ओके संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी प्रतिकृत पाठ विषय रे डील करुची आमर पार्ट 22 आर्टिकल 393 to 395 ओके तो एतिक रहला मोर पार्ट विषय रे ओके देन एही पार्ट चैप्टर ऊपर यदि कोनोसे आपनर डाउट रहला तो आपन माने कमेंट बॉक्स से लिखि जणंतु किंबा किछि यदि मोर भूल हला आपन माने कमेंट बॉक्स से भी लिखि देखिबे कहिबे आउ यदि वीडियोटी आपन जित भल लागिला तो ताले लाइक करिबे सब्सक्राइब करिबे अन्य सांग मु शेयर भी करी ओके जहाद्वारा कि अधिक स्टूडेंट देखिपर क्लियर तो पूरा वीडियो टेक देखिथिबा जोगु मोर धन्यवाद ओके थैंक्स फॉर वाचिंग डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब